मैं हूं आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आज के इस वीडियो के अंदर हम सिस्टम डी टारगेट के बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे। तो आज का हमारा मेन पार्ट है कि हम किस तरह से सिस्टम डी टारगेट की मदद से अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर सकते हैं, शटडाउन कर सकते हैं, और साथ ही साथ किस तरह से आप अपने मशीन का मोड चेंज कर सकते हैं। मतलब कि हमने पहले देखा था कि किस तरह से मशीन को इंस्टॉल किया जाता है। हालांकि हमने ग्राफिकल इंस्टॉलेशन भी देखा विद GUI, और हमने मिनिमल इंस्टॉलेशन भी देखा जो कि आपका कमांड लाइन था। अब मान लो आपने अपने मशीन को ग्राफिकल पे सेट कर दिया और आपको आपके मशीन को बाय डिफॉल्ट कमांड लाइन पे के लिए जाना है, या फिर आपने कमांड लाइन इंस्टॉल किया और आपके मशीन को ग्राफिकल लेके जाना है। तो दोनों ही प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आपको एक कमांड दी गई है जो ज़्यादातर कंट्रोल करता है आपका सिस्टम डी। तो उसी सिस्टम डी के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मुझे लॉग इन करना पड़ेगा अपने मशीन के साथ एज एन रूट, क्योंकि यहाँ पे मुझे फुल कंट्रोल चाहिए। और आपको पता ही है कि लिनक्स के अंदर फुल कंट्रोल किसके पास रहते हैं? रूट के पास। ओके, तो मैं अपने मशीन को एज एन रूट से लॉग इन हो चुका हूँ। कंफर्म करने के लिए यू कैन सी ओवर हियर लॉग इन नेम एज एन रूट। अब मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करना है। देखिए, ओपन टर्मिनल इज नथिंग बट लाइक का कमांड प्रॉम्प्ट है जहाँ पे आप अपने कमांड्स रन करोगे। अब सबसे पहले मुझे जो कमांड रन करनी वो है सिस्टम डी। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिस्टम डी ए कमांड टाइप की। अब देखिए, होता है काफ़ी बार कि अगर आप कमांड लाइन के साथ काम करते हो तो आपके पास कुछ मिस स्पेल हो जाए या स्पेलिंग मिस्टेक आ जाए, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि लिनक्स 7 के अंदर यहाँ पे आपको ऑटो कंप्लीशन विजर दिया गया है। जैसे कि मान लो आप सिस्टम डी ये कमांड टाइप करना चाहते हो, तो यहाँ पे मैंने SYST टाइप किया, और जब मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर टैप प्रेस करूँ, टैप टैप, तो देखिए मेरे लिए वो ऑटो कंप्लीट हो रहा है। अब फिर से मुझे दो बार टैप प्रेस करना है, 1 2, नाउ कैन सी जैसे मैंने टैप टैप प्रेस किया मेरे सामने कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं जो उस कमांड को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए मेरा इंटरेस्ट है सिस्टम डी के अंदर, सिस्टम CTL। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम CTL टाइप किया और आगे मुझे याद नहीं आ रहा, मैं फिर से यहाँ पे टैप टैप प्रेस करूंगा। यू कैन सी सिस्टम CTL के बाद आप यहाँ पे चाहे तो एग्जिट कर सकते हो, चाहे तो आप उसे रिबूट कर सकते हो, चाहे तो उसे पावर ऑफ कर सकते हो, सो एंड सो फॉर। ओके, सो इन शॉर्ट आपको यहाँ पे ऑटो कम्प्लीशन दिया गया है। जब कभी आपको कमांड के बारे में याद ना आए या फिर आगे क्या करना है पता ना हो, तो आप टैप टैप प्रेस करके अपने कमांड को ऑटो कम्प्लीट कर सकते हो। ओके, नाउ अब मुझे अपने मशीन को रिबूट करना है। रिबूट करने के लिए मुझे यहाँ पे सिस्टम CTL का इस्तेमाल करना है। तो मेरी कमांड रहेगी सिस्टम CTL टैप टैप। यू कैन सी यहाँ पे आपको रिबूट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है, सो जस्ट टाइप RE B टैप। ओके, सो सिस्टम CTL रिबूट। अब इससे होगा क्या, मेरा ये कंप्यूटर लिनक्स का रिबूट हो जाएगा। सो प्रेस एंटर। अब मेरी मशीन ऑन हो रही है। Now, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, नीचे की तरफ आपको ये काउंटडाउन नजर आ रहा है। ओके, ये टाइमर भी आप कम ज्यादा कर सकते हो, इस वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए अब मेरी मशीन बूट हो रही है, तो अब मेरी मशीन रिबूट हो चुकी है। फिर से मैं यहाँ पे नॉट लिस्टेड पे जाऊंगा, मुझे रूट का ही एक्सेस लेना है। मैं अपने रूट का वैलिड पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूंगा। अब अगर आपको इस मशीन को पावर ऑफ करना रहा तो आपके लिए उसके भी कमांड है, आपको टर्मिनल पर जाना है। टर्मिनल पर आने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम CTL और सिर्फ आपको यहाँ पे पावर ऑफ ये कमांड टाइप करनी है। अगेन यू कैन यूज टैप टू ऑटो कम्प्लीट। तो सिस्टम CTL पावर ऑफ से क्या होगा, आपकी ये मशीन पावर ऑफ हो जाएगी या कह सकते हैं शट डाउन हो जाएगी। हालांकि मैं इस कमांड को अभी रन नहीं करने वाला हूँ, ओके, क्योंकि मुझे अब इस मशीन के साथ और ज़्यादा प्रैक्टिकल करने हैं। अब यहाँ पे हम और एक कमांड देखने वाले हैं, जो कमांड है आपकी सिस्टम CTL गेट डिफॉल्ट। सिस्टम CTL गेट डिफॉल्ट से आपको पता चलता है कि आपकी मशीन बाय डिफॉल्ट कौन से मोड पे काम कर रही है, मतलब वो कमांड लाइन पे है या फिर ग्राफिकल पे। हालांकि देखा जाए तो ये मेरी मशीन बाय डिफॉल्ट ग्राफिकल पे चल रही है, क्योंकि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्लेसेस और बैकग्राउंड पे कुछ वॉलपेपर्स और ये आइकॉन्स नजर आ रहे हैं। ओके, लेकिन कंफर्म करना रहा तो आप यहाँ पे सिस्टम CTL स्पेस -हाइफन गेट डिफॉल्ट ये कमांड रन करके देख सकते हो। यू कैन सी फिलहाल जो मेरी मशीन काम करी वो ग्राफिकल डॉट टारगेट पे। इसका मतलब क्या, जब कभी मैं अपनी मशीन को रिबूट करूंगा या फिर पावर ऑन करूंगा तो बाय डिफॉल्ट वो ग्राफिकल मोड पे ही चली जाएगी।
अब मुझे इस मशीन को बाय डिफॉल्ट कमांड लाइन पे के जाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम गेट डिफॉल्ट की जगह पे सेट डिफॉल्ट ये कमांड रन करेंगे, सिस्टम सीटीएल स्पेस सेट हाइफन डिफॉल्ट। अब मुझे इस मशीन को कमांड लाइन पे के जाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टी यूजर डॉट टारगेट। सो मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट ये कमांड आपके मशीन को कमांड लाइन पे लेके जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, नाउ यू कैन सी यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड पे कमांड्स रन हुए। अब मैं फिर से यहाँ पे सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट कमांड टाइप करूँ ना, यू कैन सी अब मेरी मशीन मल्टी यूजर डॉट टारगेट पे आ चुकी है। इसका इम्पैक्ट कब आएगा, जब आप अपने मशीन को रिबूट करोगे ना, तो रिबूट करने के बाद आपकी मशीन बाय डिफॉल्ट कमांड लाइन पे जाने वाली है। सो लेट्स चेक, तो मैं अपनी मशीन को रिबूट करूंगा, ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, 1। अब देखिए मेरी जो मशीन आ चुकी है वो प्योरली कमांड लाइन पे आ चुकी है। तो यहाँ पे मेरे NSK-RHL7-04 ये मेरे मशीन का नाम था, लिनक्स का ये 7.1 मैपो एडिशन है, कर्नल वर्जन 3.10। अब यहाँ पे मुझे रूट से लॉगिन करना है बिकॉज आई वांट टू हैव फुल एक्सेस विथ माय मशीन। यहाँ पे मैंने अपना प्रॉपर पासवर्ड एंटर किया। अब यहाँ पे मैं कमांड टाइप करूँ ना सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट, तो मुझे पता चल रहा है कि ये मेरी मशीन मल्टी यूजर और टारगेट पे। नाउ गेस व्हाट, अब मैं अपनी मशीन को बाय डिफॉल्ट ग्राफिकल पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट ये कमांड रन करनी पड़ेगी। सो गेट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मुझे लिखना है ग्राफिकल डॉट टारगेट। सो ग्राफिकल डॉट टारगेट क्या करेगी, आपकी मशीन को ग्राफिकल पे लेके जाएगी। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया, अगेन बैकग्राउंड में कुछ कमांड रन हुई, देन हम फिर से यहाँ पे सिस्टम सीटीएल गेट डिफॉल्ट करके चेक करेंगे। अब ये मेरी मशीन ग्राफिकल डॉट टारगेट पे, लेकिन कब, जब आप अपनी मशीन को रिबूट करोगे तब, तो बाय डिफॉल्ट आपकी मशीन ग्राफिकल पे आ जाएगी। तो चलिए हम इसे कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे मुझे फिर से सिस्टम सीटीएल रिबूट ये कमांड टाइप करनी है ताकि मेरा बाय डिफॉल्ट ग्राफिकल टारगेट आ जाए। देखिए तो अब मेरी मशीन बाय डिफॉल्ट ग्राफिकल पे आ चुकी है, लेकिन अब जो मैंने आपको कमांड दिखाया ना, इस कमांड का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, जब कभी भी अपना डिफॉल्ट टारगेट आप चूज करते हो तो आपका उसका इम्पैक्ट लेने के लिए आपके मशीन को रिबूट करना पड़ता है। अब मान लो कि आपको विदाउट रिबूटिंग इमीडिएटली अपने टारगेट को स्विच करना है, जैसे कि आपका ग्राफिकल है, ग्राफिकल का आपको इमीडिएटली कमांड लाइन पे जाना है, कमांड लाइन है, कमांड लाइन से इमीडिएटली आपको ग्राफिकल पे जाना है, तो वो किस तरह से कर सकते हो। चलो इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। ज़्यादातर कंपनी के अंदर लिनक्स मशीन कमांड लाइन पे होती है, तो आप डेडिकेटली चाहते हो कि आपके जो यूजर्स है जो उन लिनक्स मशीन को हैंडल कर रहे हैं वो कमांड लाइन पे ही काम करें, लेकिन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप चाहते हो कि ग्राफिकल इन्वायरमेंट का यूज किया जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आपके मशीन को बाय डिफॉल्ट कमांड लाइन पे सेट कर दीजिए, मतलब आपका मल्टी यूजर डॉट टारगेट, और जब कभी भी आपको जरूरत पड़े ना ग्राफिकल की, तो आप वहाँ पे कमांड चूज कर सकते हो। ओके, वो कमांड है आइसोलेट वाली। तो सबसे पहले मैं चेकआउट करके मेरी मशीन का बाय डिफॉल्ट टारगेट क्या है, तो यहाँ पे मैंने सिस्टम सीटीएल गेट हाइफन डिफॉल्ट कमांड टाइप की। यू कैन सी ग्राफिकल डॉट टारगेट मेरी या बाय डिफॉल्ट टारगेट है। अब विदाउट रिबूटिंग मैं अपने मशीन को कमांड लाइन पे जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिस्टम सीटीएल अगेन आई हैव टाइप द सेम कमांड, आगे की कमांड मुझे याद नहीं आ रही है। सो गेस व्हाट, मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे टैप टैप प्रेस करूंगा। दो मेरे सामने यहाँ पे बंडल ऑफ कमांड्स आ चुके हैं, जिसमें से फिलहाल मुझे इंटरेस्ट है ये आइसोलेट वाली कमांड के अंदर। ओके, सो आइसोलेट यहाँ पे मैंने टाइप किया। अब आपका जो डिफॉल्ट टारगेट है उसका आपको अपोजिट लेना है। मेरा बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट टारगेट कौन सा है, ग्राफिकल डॉट टारगेट, इसका अपोजिट क्या है आपका मल्टी यूजर डॉट टारगेट। तो यहाँ पे मैंने कमांड टाइप की सिस्टम सीटीएल आइसोलेट मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर दूंगा, यू विल सी मेरी मशीन इमीडिएटली कमांड लाइन पे चली गई। ओके, यहाँ पे मैंने रूट टाइप किया, अपना पासवर्ड एंटर किया, अभी भी मेरा जो टारगेट है ना बाय डिफॉल्ट ग्राफिकल ही है। तो यहाँ पे मैं सिस्टम सीटीएल हाइफन गेट डिफॉल्ट करके देख सकता हूँ ग्राफिकल डॉट टारगेट, मतलब नेक्स्ट टाइम जब मशीन रिबूट होगी या फिर पावर ऑन होगी तो बाय डिफॉल्ट आपका ग्राफिकल पे जाने वाला है। ओके, अब मुझे इसका अपोजिट करना है। अब मेरी मशीन है कमांड लाइन पे, अब कमांड लाइन से मुझे बाय डिफॉल्ट मूव करना है ग्राफिकल के अंदर, तो मुझे सेम कमांड यूज करनी है, सिस्टम सीटीएल आइसोलेट ग्राफिकल डॉट टारगेट। सो अब ग्राफिकल डॉट टारगेट एंटर देने के बाद मेरी मशीन फिर से ग्राफिकल पे
आ चुकी है। ओके सो लेट्स सी, ये देखिए अभी भी मेरा बाय डिफॉल्ट टारगेट क्या है, ग्राफिकल डॉट टारगेट ही, मतलब रिबूट होने के बाद बाय डिफॉल्ट ग्राफिकल पे ही मिलने वाली है। नाउ अब मैंने आपके सामने एक नई मशीन ऑन की है जिसके अंदर हमने ड्यूएलू का प्रैक्टिकल किया था, मतलब हमने माइक्रोसॉफ्ट के साथ लिनक्स को इंस्टॉल किया था। जैसे कि आपको यहाँ पे लॉग इन स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि आपका जो बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वो लिनक्स 7 की है और यहाँ पे विंडोज का भी इनिशियल एंट्री आ चुकी है। और यहाँ पे आपको टाइम स्पेंड कम ज़्यादा कैसे करना है या फिर आपके डिफॉल्ट ओएस को कौन सा सेट करना है उसका आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले मुझे लिनक्स से लॉग इन करना पड़ेगा, तो हम लिनक्स को ऑन करेंगे। तो देखिए अब ये जो मशीन है इस मशीन के ऊपर मैं डिफॉल्ट टाइम ड्यूरेशन कम ज़्यादा करने वाला हूँ। हालांकि आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप लिनक्स मशीन को ऑन करते हो तो बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड का टाइम स्पेंड होता है, जिसके बाद आपका डिफॉल्ट जो बूटलोडर आपने चूज़ किया है उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको ये टाइम कम या ज़्यादा करना रहा तो उसके लिए आपको एक फाइल को एडिट करना पड़ता है और वो फाइल होती है आपकी VIM। देखिए जब भी मैं VIM की बात करूँ ना, VIM इज़ नथिंग बट योर एडिटर। जैसे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपका नोट पैड होता है ना फाइल को एडिट करने के लिए, उस तरह से VIM लिनक्स के अंदर एक एडिटर है। ओके ETC डिफॉल्ट ग्रब, ये वो फाइल है जिसके अंदर आपका टाइम स्पैन ड्यूरेशन होता है। तो मैंने उस फाइल को एंटर प्रेस किया। नाउ यू कैन सी अब यहाँ पे आपको ग्रब अंडरस्कोर टाइम आउट नजर आ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट 5 सेकंड्स का है। यहाँ पे मुझे आई प्रेस करना है। देखिए जैसे मैं अपने कीबोर्ड के ऊपर आई प्रेस करूँ ना, नीचे की तरफ आपको ये मोड चेंज आएगा। सो अब मैं इंसर्ट मोड पे हूँ। ओके और मुझे इसका टाइम स्पैन रखना है, चलो मान लीजिए 1 मिनट। तो 1 मिनट इज नथिंग बट योर 60 सेकंड्स। अगर आपको 3 मिनट का रखना है तो आपको यहाँ पे 180 लिखना पड़ेगा, मतलब आपको जो कुछ भी कैलकुलेशन या टाइम स्पेंड रखना है वो सेकंड्स के फॉर्म में ही रखने। यहाँ पे मैंने 3 मिनट का टाइम स्पेंड रखा है इसलिए मैं आपको मुझे 180 सेकंड्स मेंशन करना जरूरी है। अब मैं इस फाइल को सेव करने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे अपने कीबोर्ड के ऊपर एस्केप प्रेस करना है, देन शिफ्ट कोलन WQ, ये नॉर्मल मेथड होती है आपके VIM फाइल को सेव करने के लिए। यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस किया। अब प्यारो अगर यहाँ पे मैं फाइल का कंटेंट देखना चाहता हूँ ना तो मुझे सिर्फ VIM की जगह पे कैट टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कैट टाइप किया। नाउ यू कैन सी यहाँ पे मेरा टाइम आउट ड्यूरेशन 180 सेकंड्स का आ चुका है, लेकिन ये इमीडिएटली इफेक्ट नहीं लेने वाला। क्यों? क्योंकि जब कभी भी आप अपने बूट लोडर को मॉडिफाई करते हो ना तो उसको इम्पैक्ट करने के लिए या फिर इफेक्ट लेने के लिए आपको एक एडिशनल कमांड रन करनी पड़ती है। ये कमांड हमने ड्यूअल बूट के टाइम पे भी देखी थी। कमांड है आपकी ग्रब टू mkconfig -o /boot grub to grub.cfg। ओके तो इस कमांड से क्या होगा कि आपका जो बूटलोडर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, या कह सकते हैं कि बूटलोडर के अंदर आपने जो चेंजेस किए वो इंपैक्ट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद जब तक आपके सामने डन ना आए तब तक आपको रुकना पड़ेगा। आप चाहे तो इसे रिकन्फर्म कर सकते हो, फिर से अप एरो प्रेस कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। और अब मैं अपनी मशीन को रिबूट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मुझे कमांड टाइप करनी है सिस्टम सीटीएल रिबूट। ओके माफ कीजिए, सिस्टम सीटीएल रिबूट, एंटर। तो हालांकि मेरा टाइम स्पेंड 3 मिनट का है, मतलब 180 सेकंड्स, तो यहाँ पे नेगेटिव काउंटडाउन आपकी 180 सेकंड्स तक चल जाएगी। सो लेट्स सी, यू कैन सी नीचे आपको काउंटडाउन नजर आ रहा है, ये जब तक जीरो नहीं आएगा तब तक ये काउंटडाउन चलते रहेगा। अब देखिए ये जो व्हाइट स्ट्रिप आपको नजर आ रही है ना, दिस व्हाइट स्ट्रिप इंडिकेट ये आपका बाय डिफॉल्ट सेट किया गया बूटलोडर है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हो तो आप अप डाउन एरो का फॉर्म यूज कर सकते हो। अप डाउन एरो प्रेस कीजिए, आपका बूटलोडर चेंज हो जाएगा। ओके हालांकि अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये मशीन ऑन हो इसका बाय डिफॉल्ट जो बूटलोडर है वो माइक्रोसॉफ्ट का ही लोड हो विदाउट एनी सिलेक्शन, तो मुझे उसके लिए कुछ कमांड रन करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो आपको नजर आ रहा है लिनक्स 7.1 मैपो एडिशन, ये आपका फर्स्ट बूटलोडर है। सेकंड ये आपका रेस्क्यू इन्वायरमेंट है जो कि लिनक्स का ही है। थर्ड आपका माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर हम नंबर सिस्टम के फॉर्म में बात करें तो फर्स्ट पोजीशन हमेशा जीरो से इंडिकेट करती है। तो आपका ये जीरो है, ये आपका वन है और ये आपका टू है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी मशीन जब भी ऑन हो बाय डिफॉल्ट विंडोज के थ्रू ही ऑन हो।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो ऑप्शन है वो टू पे रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जीरो आपका लिनक्स है फर्स्ट वाला, वन आपका लिनक्स है रिस्की वाला, और विंडोज आपका टू है। ओके सुनो, उसके लिए मुझे फिर से लिनक्स से लॉगिन करना पड़ेगा। तो अगर आपका डिफॉल्ट बूट लोडर चूज करना रहा तो उसके लिए आपको एक कमांड रन करनी है। कमांड है आपका ग्रब टू हाइफन सेट हाइफन डिफॉल्ट। अब अगर यहाँ पे मैं आपको जीरो लिखता हूँ, जीरो मतलब क्या, आपकी फर्स्ट लाइन। यहाँ पे वन क्या है, आपका लिनक्स का रेस्क्यू एनवायरमेंट। अब मैं चाहता हूँ कि मशीन जब भी रिबूट हो ना, तो रिबूट होने के बाद बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट ही सिलेक्ट हो जाए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फिर से इसे रिप्ले करके देखोगे ना, तो हमारा टू मतलब हमारा थर्ड लाइन माइक्रोसॉफ्ट से इंडिकेटेड। तो यहाँ पे मैंने ग्रब टू हाइफन सेट डिफॉल्ट स्पेस देने के बाद टू लिखा है, एंटर में दूंगा। एंटर देने के बाद मुझे फिर से इस पर्टिकुलर ग्रब को अपडेट करना है, तो मुझे कमांड रन करना है कि ग्रब टू हाइफन मफ कॉन्फिग हाइफन ओ स्लैश बूट ग्रब टू स्लैश ग्रब डॉट सी एफ जी। ओके, एंटर देने के बाद जब तक डन ना है तब तक हमें रुकना पड़ेगा। ओके, फिर से हम इसे रिकन्फर्म करेंगे। हालांकि मेरा टाइम स्पेंड यहाँ पे 3 मिनट का है, आप चाहे तो उसे भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको टाइम स्पेंड चेंज करना रहा तो टाइम स्पेंड चेंज करने के लिए आपको फिर से उस फाइल के अंदर जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं उसका टाइम स्पेंड रखूँगा तकरीबन 10 सेकंड्स का। एस्केप शिफ्ट कोलन डब्ल्यू क्यू, फिर से इसे सेव किया और अपने ग्रब को हम फिर से अपडेट कर देंगे। तो देखिए, मैंने बाय डिफॉल्ट अपना बूट लोडर माइक्रोसॉफ्ट का रखा है, मैंने टाइम स्पेंड कम किया है तकरीबन 10 सेकंड्स का। अब मैं इस मशीन को रिबूट करूंगा। बाय द वे, रिबूट करने के लिए जो पुरानी कमांड है ना init6, ये यहाँ पे काम करती है। मतलब अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पुराने वर्जन से बिलोंग करते हो तो सिस्टम सीटीएल आपको नया लग गया, लेकिन आप चाहे तो पुराने कमांड्स को भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, जिसमें से init6 ये कमांड लिनक्स मशीन को रिबूट करने की ट्रेडिशनल कमांड है। तो यहाँ पे मैंने एंटर दिया। नाउ यू कैन सी बाय डिफॉल्ट 8 7 6, और ये आपको स्ट्रिप नजर आ रही है। ये स्ट्रिप बाय डिफॉल्ट किसके ऊपर है, माइक्रोसॉफ्ट। मतलब अगर आप कुछ ना करो तो बाय डिफॉल्ट आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाएगी। सो लेट्स सी, ये विंडो का सिंबल है, इसका मतलब मेरी माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रही है। तो आज हमने देखा सिस्टम सीटीएल कमांड के साथ काम करना। देखिए, सिस्टम सीटीएल या सिस्टम डी टारगेट, ये ऐसा कंपोनेंट डिजाइन किया लिनक्स 7 के अंदर जिसके ऊपर होल ऑपरेटिंग सिस्टम रीडिजाइन की गई है लिनक्स 7 की। तो आज हमने सिर्फ उसके कुछ पार्ट ही देखे। आने वाले वीडियो में हम सिस्टम सीटीएल से रिलेटेड और ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे। तब तक के लिए मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनने। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। स्टिल देन, बाय।